हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन फाइन. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने फर्स्ट सेम में भी आपको एक्सप्लेन किए थे, तो वहाँ हमने वन डिजिट वाले सॉल्व किए थे, अब यहाँ टू डिजिट वाले सॉल्व करेंगे. ओके, रघु एज 6 ईयर्स ओल्ड एंड ही सिस्टर 12 ईयर्स ओल्ड टू हीम. फाइंड द एज ऑफ रघु's सिस्टर, है ना. देखो, रघु इज 6 ईयर्स ओल्ड, रघु 6 साल का है, एंड ही सिस्टर इज 12 ईयर्स एल्डर, उससे 12 साल बड़ी है उसकी सिस्टर. ओके, तो फाइंड द एज ऑफ रघु's सिस्टर. जो रघु की सिस्टर की एज तो हमको 12, क्योंकि वो 12 साल उससे बड़ी है, तो 12 और प्लस 6 दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी टोटल एज क्या है, 18 ईयर्स. ओके, अब एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर. Now let's find the total age of Raghu's mother and his sister, and mother's is 41 years old. Okay, अब हम यहाँ पे हम टू डिजिट वाले एडिशन सॉल्व करेंगे. जैसे हमने वन डिजिट वाले में फिंगर पे जो बॉक्सेस थे वो काउंट किए थे, एज इट इज़ हमको वैसे ही प्रोसेस करना है. पहले बैक से स्टार्ट करना है, पीछे वाले नंबर को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे वाले नंबर को सॉल्व करेंगे. ओके, देखिए वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन. संजीव ब्रॉट टू सॉफ्ट टॉयज विच कॉस्ट 55 and 32 rupees. संजीव जो इसने टू टॉयज है परचेस किए हैं, एक की प्राइस है 55 और एक की 32. फाइंड द टोटल अमाउंट एंड ही हैड टू पे टू द शॉपकीपर. किसको, शॉपकीपर को, वो कितना पे करेगा. देखो पहले 55, अब हमको ऐसे पता नहीं होता कि हमको क्या करना है, हमको कितना पे करना है. एक की प्राइस 55 rupees है और सेकंड की प्राइस कितनी है, 32. दोनों को हमने यहाँ राइट किया, एडिशन का साइन किया. अब पाइप हमारे एडिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, आप सबको पता है कि हम फर्स्ट वाले नंबर को सबसे पहले साइन देखेंगे कि साइन कौन सा है, एडिशन का साइन है. फिर फर्स्ट वाले नंबर को हाइट कर देंगे, पहले उस नंबर को लेफ्ट कर देंगे. सेकंड वाला नंबर कितना, उतने बॉक्सेस, सेकंड वाले नंबर जितने बॉक्स हम काउंट करेंगे. तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ 5 और 2 है, 5 को हमने लेफ्ट कर दिया, 2 काउंट करें, 1 2, 2 बॉक्स काउंट करके यहाँ हमने थंब को रखा है. अब उसके बाद 5 के आफ्टर 5 काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारा ये 2 जो हमने काउंट किया वो भी ऐड कर लेंगे. 5 प्लस 6 7, सो आंसर विल बी 7, है ना. 5 और 3, तो 5 को लेफ्ट कर देंगे, 3 बॉक्सेस काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 बॉक्स काउंट करें. 5 आफ्टर 5 काउंटिंग करेंगे, 5 6 7 8, सो आंसर विल बी 8. हमारे जो फिंगर पे बॉक्सेस बने हुए हैं बॉक्स को काउंट करेंगे. ओके, सेम एज इट इज़ नेक्स्ट भी हमारा, कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, 35 गर्ल्स एंड 43 बॉयज़ हैव गोन फॉर अ स्कूल ट्रिप, है ना. 35 गर्ल्स और 43 बॉयज़ है. इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गोन फॉर द ट्रिप. देखो 35 गर्ल्स और 43 बॉयज़ है. अब आपसे कहा है कि सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर लो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, तो कितने हुए टोटल स्टूडेंट, 43 और 35 को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को काउंट कर लेंगे, तो 78 स्टूडेंट हुए. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टू आइटम्स. जो टू आइटम्स, इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी. जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, अब आपने टू आइटम्स परचेस कर लिए, अब आप उन दोनों का टोटल करके पे करो या दोनों का अलग अलग पे करो, तो हमने क्या करना है, इसको टोटल करके पे करेंगे, 52 and 15, तो 67. अ गर्ल हैड 61 स्टैम्प एंड शी कलेक्टेड 35 मोर, हाउ मेनी स्टैम्प डिड शी हैव इन ऑल. 61 तो स्टैम्प थे उसके पास, 35 और ऐड कर लिए, तो टोटल कितने हुए, 55. अब आता है, ये तो हमारी एडिशन की बात हुई, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन का मीनिंग पता है आप सभी को कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, है ना. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमने पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर किया हुआ है, ये भी टू डिजिट वाला आपको सॉल्व करना है. देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हमने टू चॉकलेट्स थे हमारे पास, टू चॉकलेट्स में से हमने वन चॉकलेट हमारे छोटे आपके ब्रदर सिस्टर जो भी उसको दे दी, तो आपके पास कितना बचा है, 1. तो ऐसे जो हमारे पास लेफ्ट होता है, टोटल तो हम एडिशन में करते हैं, बट जो भी टोटल थिंग्स हमारे पास जो होती है उसमें से हम किसी को शेयर कर दें, तो उसके पास जितना लेफ्ट होता है, जितना वो बचता है, वो होता है सब्ट्रैक्शन. अब देखो यहाँ का, अ मैंगो ट्री हैड 86 मैंगोज, 25 मैंगोज, है ना. अ मैंगो ट्री हैड 86 मैंगोस, मैंगो ट्री पे कितने मैंगोस थे, 86 मैंगोस. 25 मैंगोस वर ईटन बाय बर्ड्स. अब 25 बर्ड्स जो मैंगोस थे वो
इटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स ने खा लिए, तो हाउ मैनी मैंगोस आर लेफ्ट, देखो मैंने कहा था ना जो लेफ्ट होता है वो होता है, हाउ मैनी कितने बचे हुए मैंगो से, तो 86 में 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले और जो भी बिगेस्ट अमाउंट होगा जितना टोटल होगा उसको हम पहले अपर साइड में राइट करेंगे, है ना। अपर साइड और डाउन साइड दो साइड्स में हम राइट करते हैं, तो पहले हम अपर साइड में राइट करेंगे 86 और जितना लेफ्ट हुआ है, जितना जैसे बर्ड्स ने मैंगो किए हैं तो कितने किए हैं उनको राइट करेंगे, और फिर 86 में से 25 माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो लेफ्ट होगा। देखो आप सप्रेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हमने एडिशन में देखा था वैसे सप्रेक्शन का साइन देखेंगे, नेक्स्ट की अपर साइड वाले नंबर को लेफ्ट करना है, सेम प्रोसेस उसके जैसे बट, है ना, अपर साइड वाले नंबर को लेफ्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, फाइव, पहले हम फाइव बॉक्सेस काउंट करते थे, है ना, आप अपर साइड वाले नंबर की आफ्टर काउंट कर देंगे, अब यहाँ हम जो डाउन साइड वाला नंबर है ना जैसे ये सिक्स और फाइव है तो फाइव के बाद से काउंटिंग करेंगे, फाइव आफ्टर काउंटिंग करेंगे, जब तक काउंटिंग है जब तक हमारा सिक्स वाला अपर साइड वाला नंबर नहीं आ जाता, तो फाइव के बाद से काउंट करेंगे, सिक्स कितने बॉक्सेस आए, वन बॉक्स, तो हमने यहाँ वन राइट करा। अब एट और टू को करेंगे तो एट को लेफ्ट कर देंगे, टू के बाद से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा एट नहीं आ जाता, तो टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाउ मेनी बॉक्सेस काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो आंसर विल बी सिक्स, क्लियर। नेक्स्ट भी सारी एक्सरसाइज आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। फिर आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम, ओके, एंजल्स ब्रदर्स एज 35 ईयर एंड शी इज 12 ईयर्स यंगर देन हीम, ओके, इट इज़ गिवन दैट एंजल्स 12 ईयर्स यंगर देन हर ब्रदर और हर ब्रदर इज 35 ईयर्स ओल्ड। देखो 35 ईयर्स ओल्ड है जो उसके एंजल्स के ब्रदर है वो 35 ईयर्स ओल्ड है और शी इज़ 12 ईयर्स यंगर, वो अभी 12 साल की है, है ना, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, मतलब उसके ब्रदर की एज 35 ईयर है और वो 12 ईयर्स यंगर, मतलब 12 साल उससे छोटी है, तो फिर उसकी एज क्या हुई, है ना। तो जैसे हमने 35 सबसे पहले बिगर अमाउंट राइट करेंगे, 35 राइट किया उसमें से 12 ईयर्स माइनस किया तो 5 में से 2, और हमेशा हम बैक साइड से ही सॉल्व करेंगे, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम 2 डिजिट 3 डिजिट में राइट कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं तो हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो पहले 5 और 2 को सॉल्व करेंगे फिर 3 और 1 को, सेम प्रोसेस करेंगे, 5 को लेफ्ट कर देंगे, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा 5 नहीं होगा, आफ्टर 2 मतलब 2 के बाद से 3 4 5, हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 2 3, सो आंसर 3, 2 और 1 सॉरी 3 एंड 1, तो 1 के बाद से काउंटिंग करेंगे जब तक हमारा 3 नहीं आ जाता है, ओके, सो स्टार्ट करेंगे 1 से बाद 1 आफ्टर 1 तो 2 3 2 बॉक्सेस, ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करनी है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिटिंग द नंबर इन टू टेंस एंड वंस, देखो स्प्लिटिंग नंबर, स्प्लिटिंग में से होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, जब हमारे पास कोई बिस्किट होता है ना, या फिर फाइव स्टार मान लो फाइव स्टार चॉकलेट है तो हमने उसको बाइट कर दिया, है ना, बट हमने ऐसे थोड़ी इसको कहीं से भी बाइट नहीं किया, उसको सिस्टमेटिक दोनों को हाफ हाफ किया और हमने उसको स्प्लिटिंग कर दिया, मतलब तोड़ के और शेयर कर लिया। अब ऐसे ही कि यहाँ देखो स्प्लिटिंग नंबर को किस में कन्वर्ट करना है हमको, इंटू टेंस एंड वंस, तो ये जो 57 प्लस 25 है ना, पहले इनमें से वंस अलग निकाल दो और टेंस अलग कर दो, पहले इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो 57 में कितने टेंस है, 50 टेंस है और 7 सिंगल वंस है तो 7 को राइट कर दिया, 25 में से कितने टेंस है, 20 मतलब 2 टेंस है, 20 और सिंग वंस कितने हैं, 5, तो ये हो गया 25, 68 प्लस 12, अब देखो अब यहाँ हमने क्या किया, टेंस को अलग निकाल दिया वंस को, अब यहाँ हमने टेंस को अलग कर दिया वंस वंस को अलग और सबके टोटल करी दिए, 82 आया, 68 प्लस 12 तो 60 वंस अलग कर लिए और प्लस 8 वंस अलग सॉरी टेंस अलग कर लिए और वंस अलग हो गए, फिर 10 प्लस 2 12 तो टेंस में 1 10 हुआ और 2 वंस हुआ, ऐसे राइट किया, फिर सारे टेंस अलग किए और सबको टोटल कर लिया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन लेस देन का साइन आप सभी को आता है, तो देखो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन को थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, पहले हमको जहाँ एडिशन और सप्रेक्शन का साइन है पहले उसको सॉल्व करके वहाँ नंबर राइट करना है, देन आफ्टर आप सभी को साइन शो करना है, ओके, 53 प्लस 21 तो 5 प्लस 2 7
और 3+1। आप लोग ऐसे राइट नहीं कर पाओ तो उसको जैसे हमने अपर साइड डाउन साइड में राइट किया था ना, वैसे राइट करने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, फिर जो भी बिगेस्ट नंबर है उसकी तरफ ग्रेटर देन का, जो स्मॉल नंबर है उस पर लेस देन का, और अगर कोई इक्वली होता है तो इक्वल का साइन शो कर देंगे। ओके, तो ऐसे आप सभी को राइट करना है। स्प्लिटिंग द नंबर इंटू टेंस और वंस एंड एट देम। ओके, स्प्लिटिंग करना है हमको नंबर 68+24 ना, ना ये मैंने टोटल कर दिया, बस उसको नंबर को स्प्लिटिंग करना है। आप लोग करना जैसे मैंने यहाँ स्प्लिटिंग किया ना, ऐसे आप लोग उसको स्प्लिटिंग करना। ओके, अब है कंपेयर द नंबर एंड राइट द अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल, है ना। तो यहाँ भी देखो हमने यहाँ साइन शो कर रखे हैं कि 80+9, 89, 90-1, 89, तो दोनों इक्वल हुए। जहाँ दोनों नंबर इक्वल होंगे वहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, जहाँ नंबर्स अप एंड डाउन मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा तो उसको देख के साइन लगाएंगे। ओके, सो क्लियर एवरीवन, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे आपके लिए तो ईजी हो जाएगा। ये वाला आप लोग अपने अकॉर्डिंग राइट कीजिएगा, मैंने इसको से राइट किया है, पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको राइट कीजिएगा कि कैसा होगा। ओके, सो नाउ बाय।